हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों, इस महामारी के सामने पूरी दुनिया बेबस हो गई है, क्योंकि यह खतरनाक महामारी एक साल हो गया है फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यह महामारी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे खतरनाक होती जा रही है। जब 2020 से इस महामारी की शुरुआत चीन देश के छोटे से शहर से हुई थी, तब लोगों को पता नहीं था कि यह महामारी इतनी तेजी से फैलेगी, लेकिन एक महीने के अंदर ही यह महामारी एक छोटे से शहर से पूरी दुनिया में फैल गई थी और अचानक से कई सारे देशों में लॉकडाउन भी जारी करवाया पड़ा, क्योंकि मौत की संख्या ज़्यादा बढ़ रही थी। और अभी तक पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग मृत्यु हो चुके हैं और अभी भी लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित है जो मौत के मुंह से लड़ रहे हैं। और हमारे देश भारत और अमेरिका की बात करें तो इस दोनों बड़े देशों में अभी भी यह महामारी बहुत ही बढ़ रही है, क्योंकि इन दो बड़े देशों में वस्ती ज़्यादा होने की वजह से लोग भारी भीड़ भाड़ वाली जगह पे इकट्ठे हुए थे और इसी वजह से यह महामारी अभी सभी राज्यों में फैल गई है। भारत देश में अभी हर दिन नए लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं और कई सारे लोग जो मृत्यु पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस महामारी से बचा सके। दोस्तों, अब हमारे देश में सभी महादेव भक्त महादेव को प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमें जल्दी से इस वायरस से छुटकारा दिलाओ। दोस्तों, महादेव इस सृष्टि के पालनहार है और महादेव जल्द ही समाधि से उठकर इस महामारी को नष्ट कर देंगे। महादेव को भोले भंडारी कहा जाता है और महादेव जल्द ही प्रसन्न होने वाले देव भी माने जाते हैं। और जब कोई परेशानी अपने भक्तों पर आती है तो महादेव स्वयं आकर भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, महादेव जितने भोले हैं उतने ही जब क्रोधित होते हैं तो सामने वाले को अपनी तीसरी आंख खोलकर भस्म भी कर देते हैं। अब 135 करोड़ देशवासियों की पुकार से महादेव जल्द ही समाधि से जागृत होंगे और इस महामारी का अंत कर देंगे। दोस्तों, सभी देशवासियों से अपील है कि आप अपने घर पर रहें और परिवार के साथ अपने घर पे महादेव का ध्यान जरूर लगाएं। महादेव जरूर देश की रक्षा करने पहुंचेंगे और इस खतरे से दुनिया को बचाएंगे। दोस्तों, खास तौर पर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे।